सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपके सामने खड़ी है पल्सर P150। तो आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू। तो ये बाइक आपको कुछ कुछ मिलती जुलती पल्सर N160 से मिलती जुलती दिख रही होगी, बिकॉज इसका डिज़ाइन उसी से इंस्पायर्ड है। साइड में आपको टैंक पे देखने को मिलेंगे 3D लोगो पल्सर का, और यहाँ पर मिल जाती है पल्सर P150 की ब्रांडिंग। और ये हमारे पास डुअल चैनल ABS वेरिएंट है, इसमें स्प्लिट सीट मिलती है और एक और चेंज है, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं। इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसमें कि सिंगल सीट है और उसका जो हैंडल बार है वो पूरा एक ही पीस में है। तो जो सिंगल डिस्क वेरियंट है उसकी प्राइस है 1,17,843 रुपये, और अपने पास जो वेरियंट है ट्विन डिस्क उसकी प्राइस है 1,20,845 रुपये। तो ये तो हो गई प्राइस की बात, अब कर लेते हैं पावर की बात। तो बाइक में मिलता है आपको 149.83 cc का इंजन। तो इसमें आपको पावर मिलेगी 14.2 bhp और टॉर्क है अपना 13.5 Nm का। जो एक चीज इसको N160 से अलग करती है वो कि इसका वेट 140 kg का, और N160 में आपको मिलेगा 152 kg का वेट। इसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 115 km/h, लेकिन मैंने इसको और भी वीडियोज में 125 km/h की स्पीड पर भी जाती हुई देखा है। आगे मिल जाएगा आपको एक प्रोजेक्टर, एक बार इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये देखो भाई, काफ़ी ब्राइट है, और इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे LED DRLs। और अब आपको बता देता हूँ इसके आपको मीटर में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। पहली बात, सेमी डिजिटल मीटर है इसमें, RPM मीटर आप एनालॉग देखने को मिलेगा, और डिजिटल मीटर में मिल जाती है गियर पोजीशन इंडिकेटर। इसमें मिल जाएगी आपको रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टू MT, और यहाँ पर मिलता है स्पीडोमीटर, यहाँ पर डिजिटल फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, न्यूट्रल की लाइट, इंडिकेटर्स की लाइट, ABS, RPM लाइट, ये है बैटरी, ये है इंजन चेक लाइट। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो बाइक अभी लगी हुई है विच के स्टैंड पे, इसको ऑन करते हैं। अब ये मैंने पहला गियर डाला, देखो आप, तो टायर घूम रहा है, देखो साइड स्टैंड नहीं लगा, अब लगाऊंगा, देखो। तो देखो जैसे ही साइड स्टैंड लगाया बाइक बंद हो गई। तो ये काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर है। हैंडल बार की बात कर लेते हैं, हैंडल बार में मिल जाएगा आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट का बटन, यहाँ पर मिल जाती है हाई बीम लो बीम पास के लिए स्विच, और ये है हॉर्न। तो इसमें मिल जाता है आपको सिंगल हॉर्न, ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं है। और ये रहा अपने इंडिकेटर्स का स्विच, इंडिकेटर्स देखे जाए तो इंडिकेटर आपको इसमें हेलोजन बल्ब मिलेंगे, और पीछे भी सेम सेटअप है। फुटपैक्स की बात करें तो दोनों ही फोल्डेबल हैं। इसमें आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे, 1 डाउन एंड 4 अप, टोटल 5 गियर हैं। टायर साइज देखें तो टायर आपको आगे 90 सेक्शन का टायर मिलेगा, 90x90 17 inches का अलॉय, और पीछे है 110x80 17 inches का टायर है ये भी। एक चीज़ इसमें अपनी NS125 से डिफरेंट है जो कि इसका फ्रेम है, उसमें पेरीमीटर फ्रेम आता है, इसमें अलग फ्रेम है। बात कर लें डिस्क साइज की, तो आगे आपको इसमें 260mm का डिस्क मिल जाएगा, आगे है टेलीस्कोपिक फोक्स 31mm के। फ्रंट मड गार्ड जो है डुअल टोन में है, ये है ब्लैक पियानो फिनिश, और पीछे है ग्रे कलर में मैट फिनिश में। यहाँ पर ABS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। 14 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाएगा आपको, आई थिंक 2.2 लीटर का रिजर्व है इसमें, जो कि आपको ट्रिप मीटर में देखने पर ही पता चलेगा कि कितना फ्यूल इसमें बचा है। तो इसकी सीट हाइट है 790 mm, और ये है स्प्लिट सीट, काफ़ी कुशन्ड और अच्छी सीट लग रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग राइड पे आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है। और नीचे देखने को मिल जाएगा आपको ये प्लास्टिक का इंजन काउल, या बैली पैन भी कहते हैं इसे। BS6 बाइक है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। और एक और चीज़, इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और ये किक स्टार्ट दोनों ही फीचर मिल जाते हैं, और जो इसका सिंगल सीट है उसमें भी है, ये डुअल डिस्क वेरिएंट है इसमें भी मिल जाता है, और सिंगल डिस्क वेरिएंट में भी फीचर मिल जाता है सेम। और आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है इंडियन रोड के हिसाब से भी। बस ब्रेकर पे अगर आपके पीछे पिलियन बैठा है तो इसको आराम से निकालना होगा, नहीं तो ये बैली पेन लग जाएगा नीचे। तो एक बार बाइक ऑन करके थोड़ी सी साउंड और सुना दूँ आपको, दोनों की ही आवाज़ मतलब पुरानी पल्सर से काफ़ी अच्छी हो गई है, एक बार सुन लो। देखो भाई, एक बार सुनो साउंड, तो इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर P150
पीछे देखने को मिल जाएगा इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन। ये रहा अपना मड फ्लैप। पीछे यहाँ पर टायर अगर नहीं है उसकी कितनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इतना मड गार्ड दे दिया है पीछे। हालांकि N160 में आपको टायर अगर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर USB सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो या जो भी आपको यूज़ करना है। और N160 के जो सीट हाइट है वो 5mm ज़्यादा है P150 से। तो अब दिखा देते हैं आपको इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये है इसका ट्विन डिस्क वेरिएंट और ये है सिंगल डिस्क। इसमें एक डिफरेंस तो हैंडल बार का है। देखो आप, इसमें आपको मिलेगा ट्विन डिस्क वेरिएंट में क्लिप ऑन हैंडल बार, और इसमें आपको डुअल डिस्क मिलेगी और स्प्लिट सीट मिलेगी। जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा ये सिंगल पीस हैंडल बार, क्लिप ऑन नहीं है, और ये पूरी सीट आपको एक ही पीस में मिलेगी। और पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, इसमें आगे डिस्क ब्रेक है। और डिस्क ब्रेक का साइज है आगे 260mm और पीछे 230mm। एक और चीज जो डिफरेंस है पीछे के ग्रैब रेल में है। इसमें देखो आपको ये ग्रैब रेल अलग अलग देखने को मिलेंगे और इसमें एक ही पीस में है। कंपनी क्लेम करती है 60 का माइलेज, वैसे तो कम ही देगी, 40-45 का माइलेज मिलेगा लगभग आपको। सिंगल डिस्क की प्राइस है 1,17,843 एक्स शोरूम, और ट्विन डिस्क वेरिएंट की प्राइस है 1,20,000 से थोड़ा सा कुछ आसपास है। सो गाइस, मैंने आपको P150 के बारे में आई होप सब कुछ बता दिया होगा। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना। और ये था आज का वीडियो बजाज पल्सर P150 के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्या क्या इसमें आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज कमेंट करना। वैसे तो बहुत अच्छी बाइक है, आप बिल्कुल ले सकते हो, प्राइस एकदम सही है। 1,17,000, 1,20,000, 3,000 का ही डिफरेंस है। मुझे लगता है डुअल डिस्क के लिए जाना चाहिए आपको। तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।